तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक कौशिक और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल क्रिएटिव माइंड्स पे। तो आज का क्या टॉपिक है आपने तो थंबनेल पे देख लिया होगा, ठीक है। और जो हमारे सामने बंदा है, ठीक है, आप सभी लोग इनको तो जानते ही होंगे, ठीक है, ज़्यादातर। तो हम इन्हीं के फोटो पे आज कलर ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है, एक सिनेमेटिक लुक देंगे, ठीक है गाइस। और अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी फोटोशॉप चलाना स्टार्ट किए हो, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं इस लेयर का करूंगा कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिल्टर पे और चूज करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। तो ठीक है गाइस, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो चुका है। अगर आपने कभी लाइट रूम चलाया होगा तो सेम टू सेम ये लाइट रूम की ही तरह है। अगर आपको लाइट रूम चलाना आता है तो आपको कैमरा रॉ फिल्टर भी चलाना इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है गाइस, कलर मिक्सचर पे। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं करूँगा ज़ीरो सेचुरेशन को, इसका भी सेचुरेशन ज़ीरो। ओके गाइस, इतना तक होने के बाद हमें ये सभी का सेचुरेशन ज़ीरो कर देना है। येलो पे आता है, इसका पूरा सेचुरेशन को ज़ीरो नहीं करना है। सबसे पहले ह्यू को ऑरेंज की तरफ लाते हैं इसका। ओके, अब करते हैं इसका सेचुरेशन माइनस अराउंड इतना। ओके, इनफ है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा, ठीक है, ये तो आपको बहुत ही इजीली चलाना आता होगा, ठीक है, जो ए वाला सेक्शन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे येलो को ग्रीन कर सकते हैं, ऑरेंज को येलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी कलर को थोड़ा बहुत किसी कलर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन इससे सिनेमेटिक लुक नहीं आता है। तो किस में आता है गाइस, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे स्प्लिट टोनिंग पे, ठीक है गाइस। इसका वर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे एक हाईलाइट है और यहाँ पे शैडो है, ठीक है। तो दोनों का वर्क बताता हूँ, ठीक है। जैसे हाईलाइट है, हाईलाइट कहाँ पे है फोटो पे, यहाँ पे हाईलाइट है जहाँ पे ज़्यादा व्हाइट है या फिर जहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रहा है, उसको बोलते हैं हाईलाइट, ठीक है। और शेडो किसको बोलते हैं, सिंपल से बात है, जहाँ पे रोशनी ज़्यादा नहीं आ रहा, जहाँ पे काला काला है या फिर डार्क है, इसको हम शेडो बोलेंगे, ठीक है गाइस। तो हाईलाइट का सेचुरेशन हाई करते हैं पहले, सबसे पहले से होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने हाई किया अराउंड 10 के आसपास, तो जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे एक रेड टोन आ रहा है। रेड टोन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एक पॉइंट है यहाँ पे ये रेड में है, तो इसको चेंज करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने चेंज किया, यहाँ पे हाईलाइट है वहाँ भी कलर चेंज हो गया, कुछ श्याम कलर आ चुका है, ठीक है। इसे सेम शेडो पे करते हैं, इसको भी सेचुरेशन पहले बढ़ाते हैं, इसका कम रखेंगे, ठीक है, इसको इतने में रहने देते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद अभी भी उतना ज़्यादा परफेक्ट सिनेमेटिक लुक नहीं आया है, तो इसके लिए हम आते हैं, पहले इनको क्लोज कर लेते हैं, हम आते हैं कर्व पे, ठीक है। एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो मैं कभी आसानी से समझाऊंगा इसको, काफ़ी बारीकी से, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं, ठीक है गाइस। जैसे स्प्लिट टूनिंग में क्या था, एक तरफ शेडो था और नीचे में ऊपर हाईलाइट था और नीचे में शेडो था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे शेडो है, ठीक है। तो सेम हमारा यहाँ पे हाईलाइट है, ठीक है, यहाँ पे मिड टोन है, जहाँ पे मिड टोन किसको कहते हैं गाइस, जैसे कि ना ज़्यादा लाइट है और ना ज़्यादा डार्क है, उसको कहेंगे मिड टोन। ये दोनों पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करेगा, ठीक है। और नीचे में है डार्क, ठीक है। तो जैसे कि ये इस तरफ है सियान कलर और इस तरफ है रेड कलर, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर इसको हाईलाइट इधर से बढ़ाता हूँ, तो हाईलाइट पे कौन सा टोन देगा, रेड टोन, ठीक है। और इधर करूंगा तो सियान टोन देगा हाईलाइट पे ज़्यादातर, ठीक है। और इधर सेम टू सेम, अब इधर से करेंगे तो ज़्यादातर ये डार्क में करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ बीच में, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हाईलाइट है यहाँ पे एक सियान कलर आए थोड़ा सा, ओके, ठीक है गाइस। और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मिड टोन को, मिड टोन हमारे फेस पे है, ठीक है, इतना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ओके, हाँ मैंने छोड़ूंगा, ठीक है, मुझे कलर में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको नीचे करूँ, ओके गाइस, ठीक है। इसको भी क्लोज कर लेते हैं, आते हैं बेसिक्स पे, ओके गाइस। अब चाहे तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत एक टोन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से येलो टोन आ जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ से ब्लू टोन जो कि काफ़ी ख़राब दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें येलो टोन दे देता हूँ, ओके गाइस, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत कुछ टोन दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आते गाइस, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को इसका हाई करता हूँ कुछ इतना, ओके। शेडो को थोड़ा कम करूँगा, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। ब्लैक को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा टेक्सचर को बढ़ाते हैं और कलर क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है फोटो, ओके। अब यहाँ से सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं गाइस, ठीक है गाइस। इतना होने के बाद आएंगे डिटेल्स पे, यहाँ से नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा हाई करेंगे, ठीक है, इससे फोटो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा गाइस, ओके। इसके बाद ठीक है, ओके करेंगे, अभी बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इन छोटे मोटे स्टेप्स में काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है अभी से, ठीक है। तो मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक हाईलाइट देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एक यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ, ओके गाइस, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से इस टूल को लेंगे और यहाँ से ट्रैक करके इधर एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। यहाँ पे आएंगे सॉलिड कलर, ठीक है, कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं आप, मैं कुछ इधर से, और जैसे कि सन का जो कलर रहता है कुछ ऑरेंजिस, ओके। इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आएंगे फिल्टर, ओके गाइस। इसके बाद आएंगे ब्लर, चूज करेंगे यहाँ से रेडियल ब्लर, इसको कर देंगे रेस्टराइज, ओके गाइस। इसको करेंगे हाई, पूरा फुल कर देंगे, इसको करेंगे जूम पे और यहाँ से क्लिक करेंगे बेस्ट पे, और इधर का जो डायरेक्शन है हम इधर से देंगे, ठीक है, इधर से इधर और यहाँ से भी इधर ऐसे कुछ, ठीक है, ओके हिट करूँगा। ओके गाइस, इतना हो जाने के बाद मैं इसको करूँगा कंट्रोल टी, ठीक है, इसको थोड़ा माइनस कर छोटा करते हैं, इसको बड़ा करूँगा मैं, इंटर करेंगे, ओके गाइस। इतना होने के बाद ठीक है, काफ़ी एक अच्छा लुक आ रहा है। इसको हम इसका जो स्क्रीन मोड है, ठीक है, इसको से चेंज करके देखते हैं, ओवरले काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ओके गाइस। इतना होने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई को एक साथ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जितने भी इस नीचे में लेयर है सभी को मर्ज करके एक लेयर में दे देगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसी लेयर का दो डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा, कंट्रोल जे पहला बन गया, कंट्रोल जे दूसरा बन गया, ठीक है। इस पहले वाले पे रहते हैं, यहाँ से चूज करेंगे इस पे गाइस मल्टीपल, ओके। इस नीचे वाले में चूज करेंगे यहाँ के स्क्रीन, ओके गाइस। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो मल्टीपल है उसके लिए हम सबसे पहले आल्ट को प्रेस करेंगे गाइस, ठीक है, आपको ध्यान देना होगा, आल्ट को प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको ब्रेक करके इधर लाएंगे, ठीक है गाइस, इसको तोड़ देंगे, ठीक है, आल्ट को प्रेस करके, ओके। इतना होने के बाद ओके प्रेस करेंगे, नीचे में आएंगे, इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, बट इस बार हम इसको करेंगे ओके गाइस। इतना होने के बाद दोनों को करेंगे कंट्रोल जी करके ग्रुप, ओके। अभी फोटो खराब दिख रहा है लेकिन हम इसका ओपेसिटी मैच करके इसको अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितने में अच्छा आता है। तो इतने में बहुत अच्छा लुक आ रहा है गाइस, ठीक है। अब आप अगर चाहे तो यहाँ पे आके, ठीक है, इस लेयर को लेके, एडजस्टमेंट लेयर को लेके इसमें कुछ टोन दे सकते हैं, जैसे कि ठीक है गाइस, मैं ऑफ करके देखता हूँ, तो एक भिनी सा टोन आ गया है इसमें, थोड़ा सा देख सकते हैं आप कैसा टोन आ चुका है। इसका ओपेसिटी भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं अच्छे से करने के लिए। तो ठीक है गाइस, देखते हैं फाइनली बिफोर एंड आफ्टर। तो हमारा इमेज कुछ पहले कुछ ऐसा था गाइस, ठीक है, और अभी हमारा इमेज कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर
मेरा जहाँ तक सोच है कि आपको थोड़ा सा कर्व में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को कर्व को अच्छे से समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ा ना थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा यह वीडियो आपको, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, अगर ज़्यादा ही पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।